हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस की बड़ी अपडेट। जी हां, आखिरकार एली की जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई है उसकी एक तरह से सजा क्या मिलने वाली, उसी के साथ ये लड़ाई की इतनी बड़ी ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि जो कल का एपिसोड होने वाला है जहां पे इन लोगों ने चोरी की थी, अभिनव हो, एली हो या तो फिर एजाज हो और राहुल, इन चारों ने मिलकर जिस तरह की चोरी की थी उसमें जैस्मिन भी थी, रुबीना भी थी। अब ये चोरी पता चल चुकी है कविता को और बिग बॉस ने खुद ही अनाउंस किया है कि कविता अब ये डिसाइड करेंगी कि कौन कौन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इस चोरी में इन्वॉल्व है और सजा के तौर पर उनका कोई भी कीमती सामान बिग बॉस के घर में छुड़वा सकती है, मतलब वो सामान उनके पास नहीं रहेगा। बस इसी पे जमकर होने वाला है झगड़ा, जहां पे कविता और एली के बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एली भैया का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो सारे बॉक्स उठाकर फेंकने लग जाएंगे, वो अब्यूज करेंगे, वो गाली देना शुरू कर देंगे। जबकि कविता के मुंह से ये निकल जाता है कि इस घर में मैं तेरी बाप हूँ, जो एक नॉर्मली टॉक है यार, मतलब ठीक है यार, ये ऐसे बोला जाता है और इस घर में तो क्या क्या नहीं बोला गया, माँ पे गालियाँ दी गई हैं, बाप पे गालियाँ दी गई है, तो सिर्फ नॉर्मली टॉक होता है जहाँ पे हमारे मुँह से ये चीज़ निकल जाता है। पर इस चीज़ का जमकर बवाल बनाने वाले हैं एली, क्योंकि एली को बहुत अच्छी तरह पता है कि भैया शो की थोड़ी बहुत टीआरपी तो चले हम ही दे देते हैं, क्योंकि अगर बिग बॉस ने उन्हें घर के अंदर भेजा है और मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबसे महंगे कंटेस्टेंट बनकर इस वक्त एक तरह से ये घर के अंदर आए हैं, जहां पे रुबीना अब तक सबसे महंगी मानी जाती थी, जिन्हें सबसे ज्यादा पेड किया गया था। अब उसके बाद जब अगर एली आए हैं तो सारे ड्रामे तो क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो बस इसी ड्रामे को और हवा देने के लिए बिग बॉस करने वाले हैं उनको एक सजा के तौर पे, जहां पे ये डिमांड किया जाएगा कविता की तरफ से कि एली को घर से निकाला जाए। इससे पहले भी अगर ऐसी चीजें हुई थी तो जिस तरह से अब्यूज किया है, जिस तरह से उन्होंने उनको हाथ मारा है, जो उन्होंने बॉक्स फेंका है उससे उन्हें सा हल्का सा चोट लग गया है, तो ये सारी चीजें होने वाली है जहां पे कविता रोकर ये बात कहेंगी कि मुझे इस घर से निकाला जाए, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो अगर बिग बॉस को जब मौका मिला उन्हें सजा देने के लिए, तो पहले बिग बॉस ये बात कहेंगे कि आपको जानबूझकर उन्होंने धक्का नहीं मारा, पर हाँ उन्होंने जिस तरह से अब्यूज किया, जिस तरह से उन्होंने बिग बॉस की बात नहीं मानी है, उन्हें सजा दी जाएगी और सजा के तौर पे उन्हें ये दिया जाता है कि भैया एक हफ्ते के लिए और वो नॉमिनेट होते हैं, मतलब जो एक हफ्ता ऑलरेडी नॉमिनेट है और आने वाला जो हफ्ता होगा जहां पे एली ऑलरेडी नॉमिनेट रहेंगे, जहां पे फिनाले बहुत करीब आ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां ये माना जा रहा था कि 15 जनवरी को ही फिनाले होने वाला है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, डेट्स जरूर पीछे किए जाएंगे, मतलब आगे तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना शो अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा पहले ही फिनाले किया जाएगा और कुछ हफ्तों पहले ही अगर एली बैक टू बैक नॉमिनेट हो रहे हैं तो ये एली के लिए भी बहुत बड़ी बात है। पर पवित्रा का एक तरह से अगर मैं बात करूँ, कविता का जिस तरह का स्टैंड लेना, कविता का जिस तरह से मांग करना, और बिग बॉस उस मांग को ठुकरा भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर कविता भी शो के अंदर आई है तो बहुत सारी शर्तों पे आई होंगी कि उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं जम सकती है। पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एली ने रिएक्ट किया है या जिस तरह से कविता ने रिएक्ट किया है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, और क्या एली को सिर्फ इतनी ही बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी या इससे ज़्यादा भी वो कुछ दे सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।